أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning. I am Amasia. This lecture for class play on subject English. Today lecture number 11. आज हम पेज नंबर 40 रीड करेंगे. सो लेट स्टार्ट पेज नंबर 40. सब बच्चे अपना पेज नंबर 40 को खोल लें, अपनी बुक खोलें और पेज नंबर 40 निकाल लें. ओके. दिस इज लेटर के. दिस लेटर के. पहले हम लेटर के को तीन बार साउंड के साथ पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइम हम सुनेंगे, सेकेंड और थर्ड टाइम आप मेरे साथ पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट लेटर के. के फॉर काइट. के फॉर काइट. ख ख ख ख ख ख. के फॉर किंग. के फॉर किंग. ख ख ख ख ख ख. के फॉर किचन. के फॉर किचन. ख ख ख ख ख ख. K for kick. K for kick. K k kick. K for kick. K k kick. अब ये वाली आते हैं ना. हाँ, दो वाले. K for kick. K for kick. K k kick. K k kick. K for kite. K for kite. K k kite. K k kite. K for key. K for key. K k key. K k key. अच्छा, किसी बच्चों आपने लॉक खोले? नहीं, आपको नहीं आता किसी को भी लॉक खोलना. लॉक खोलते हुए की यूज होती है ना. K for kettle. K for kettle. K k kettle. K k kettle. अच्छा बच्चों, हम लेटर के को अब हम ट्रेस करने लगे हैं. अब आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है. वेरी गुड. बिल्कुल इस तरह आपने सीधी लाइन खींचनी है. उसके बाद आपने फर्स्ट लाइन से आपने सेकंड लाइन तक इस तरह तिरछी लाइन लगानी है. इसके बाद आपने थोड़ा सा गैप दे के आपने तिरछी लाइन आपने थर्ड लाइन तक लगानी है. इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, के की शेप बन जाएगी. के की शेप इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप जब लगाएंगे आपसे बिल्कुल सही बन जाएगी. जब आप स्ट्रेट पहले सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक सीधी लाइन लगाना. जब आप फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक सीधी लाइन बिल्कुल सही लगा लेंगे, उसके बाद आपने ये करना है थोड़े से गैप से आपने तिरछी लाइन लगानी है. जब आप तिरछी लाइन लगाएंगे सेकेंड लाइन तक तो आपकी हाफ शेप बन जाएगी के की. उसके बाद फिर आपने स्पेस कम देना है. पहले आपने ऊपर जो है आपने स्पेस ज़्यादा दिया है तिरछी लाइन का, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्पेस कम देना है. थोड़े से फासले से आपने लाइन को तिरछा लेके आना है और आपने क्या करना है, थर्ड लाइन तक आपने इसको इस तरह ड्रॉ कर देना. इस तरह क्या हो जाएगा, आपकी के की शेप बन जाएगी.
अब बच्चों आप पेज नंबर 41 निकालें, खोलिए आप सबने। अब आप देखें पेज नंबर 41 पे कैटल्स बनी हुई हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है कलर द कैटल्स विद लेटर के। आपने सबसे पहले इन कैटल्स पे क्या करना है, कलर करना है। कलर करने के बाद आपका जो कलर है वो कैटल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर आपने ट्रेस के फॉलोइंग द गिवन एरोज, फिर आपने नीचे जो जितने भी के लिखे हुए हैं उनको आपने पेंसिल से ट्रेस करना है। जब आप ये ट्रेस कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको के लिखना आ जाएगा। आपने बिल्कुल डॉट्स पे बिल्कुल सही से आपने पेंसिल को फेरना है। जितना अच्छा आप ड्रॉ डॉट पे पेंसिल्स फेरेंगे उतनी ही अच्छा आपको के की शेप ड्रॉ करने आ जाएगी। फिर आप अपनी सिंपल कॉपी पे भी ऐसे ही लेटर के लिख सकते हैं। स्टूडेंट वी हैव सम होमवर्क राइट हियर, ये आपने अपना होमवर्क करना है। इस तरह आज हमारा पेज नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम सॉन्ग ऑफ के पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉन्ग ऑफ के। सॉन्ग ऑफ के। Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Kites are flying very high. Kites are flying very high with the ka 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 ka. Kites are flying very high. Kites are flying very high. Ka ka ka. क क क। अच्छा बॉयस आप में से कौन कौन को आती है कुछ ये काइट्स उड़ाना आती है? अच्छा बच्चों अपना ख्याल रखना, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।